सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जब से जम्मू कश्मीर स्टेट डिक्लेयर हुआ यूटी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तब से जम्मू कश्मीर के तमाम जितने भी काउंसिल है उनको कैंसिल कर दिया गया। ये तो हम अपने अपने आप को बदकिस्मती समझते हैं कि अगर काउंसिल भी मौजूद रहते तो तमाम मुलाजिम के मसाइल भी बिगड़ नहीं जाते। तो आज हम सबसे पहले इन मेडिकल स्टूडेंट जो डिप्लोमा और डिग्री होल्डर जिन्होंने जम्मू कश्मीर में अपनी सनद तमाम पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट से हासिल की है, और जो कि दूसरे लोग आउटसाइड जम्मू कश्मीर से के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से क्वालिफाइड होके आए हैं, उन सबको जम्मू कश्मीर फार्मेसी काउंसिल ने ये अपनी तरफ से कहा कि आपकी रजिस्ट्रेशन, पिछली जो रजिस्ट्रेशन हो चुकी है वो कैंसिल कर दी गई। ये बहुत सा ऐसा मसला बन गया कि जो डिप्लोमा और डिग्री होल्डर अपने हक के लिए लड़ना चाहते हैं और जिन्होंने मेहनत और मशक्क से अपनी अपने डिप्लोमा और डिग्री को पाई तकमील पहुंचा कर आप अपने आप को रोज़गार या मेडिकल शॉप या रजिस्टर्ड फार्मिस्ट कहना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ने उस पर तकदीर लगाई। हम आपकी वसादत से जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, जम्मू व कश्मीर एडवाइज़र टू तो गवर्नर, ऑनर एडवाइज़र टू तो लेफ्टिनेंट गवर्नर, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल कमिश्नर, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, फार्मेसी काउंसिल जम्मू एंड कश्मीर जो प्रेसिडेंट वहाँ के हैं, उनसे अपनी तरफ से मुआतबाना गुजारिश करते हैं कि ये जो मसला है ये पेचीदा मसला है, क्योंकि इससे जो बेचैनी पैदा हो गई है यहाँ जम्मू कश्मीर के मेडिकल स्टूडेंट में और फार्मिस्ट में, ये एक ऐसा वबा बन गया है कि इसको कंट्रोल करना हमारी बस की बात नहीं है, या गवर्नमेंट की, अगर गवर्नमेंट इन पर नजरसानी नहीं करेगी और जल्द से जल्द इनकी फ्रेश रजिस्ट्रेशन का आर्डर इजरा न करेंगे। एसोसिएशन की तरफ से रिप्रेजेंटेशन दी है कि जितने भी हमारे डिप्लोमा और डिग्री होल्डर्स है मेडिकल स्टूडेंट और फॉर्म, उनकी रजिस्ट्रेशन जल्द जल्द होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से आज तक ये मसला जेर गौर है। यहाँ फार्मेसी काउंसिल जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट बोलती है कि ये फार्मेसी काउंसिल अब जम्मू कश्मीर करेगी, जम्मू कश्मीर फार्मेसी काउंसिल के जो अधिदारान है, जिम्मेदार ऑफिसरन है, वो बोलते हैं कि ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को करना है, लेकिन जब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में हम पहुंचते हैं, फार्मेसी काउंसिल इंडिया बोलते हैं ये जम्मू कश्मीर फार्मेसी काउंसिल और जम्मू कश्मीर की हेल्थ डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट अपने लेवल से कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन पैदा होता है, एक सवालिया निशाना लगता है कि अगर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को ये हद इख्तियार में है कि जम्मू कश्मीर के उन डिप्लोमा और डिग्री याफ्ता फार्मिस्ट और मेडिकल स्टूडेंट को वो रजिस्ट्रेशन आराम किसी किसी तखिर के बगैर, किसी के परेशानी के बगैर दे सकते हैं रजिस्ट्रेशन, तो फिर इतनी तवालत क्यों, इतनी परेशानियों में क्यों डाला गया 20,000 से या 20,000 से 25,000 फार्मिस्ट को? तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा, नियर अबाउट मोर देन 20,000 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 5 अगस्त 2019 से पहले डिफरेंट कॉलेज में एनरोल किया है। 5 अगस्त 2019 से पहले नियर अबाउट मोर देन 20,000 बच्चों ने एनरोल किया है डिफरेंट कॉलेज में। इसके साथ साथ जो भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट्स हैं इन सर्विस अभी प्रेजेंटली वो हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, उनकी भी तादाद नियर अबाउट 5,000 से 6,000 है। अभी पिछले 1.5 साल से हम सभी परेशान हैं, चाहे वो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट्स हो या स्टूडेंट्स, हर एक परेशान है, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। रिसेंटली हमने दिल्ली भी विजिट की, वहाँ पे हम जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्ष देववर्धन सर, डॉक्टर हर्ष देववर्धन, उनसे हमारी मुलाकात हुई, हमने वहाँ पे अपना मेमोरेंडम डाला। उसके साथ साथ हम जितने भी जम्मू कश्मीर के एमपीज़ हैं वहाँ पे, चाहे वो फारूक साहब या हसनैन मसूदी साहब या अकबर साहब,
उनसे हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने अपनी अपनी तरफ से हर एक कोशिश की इस मसले को हायर अथॉरिटीज तक पहुंचाने की। हम इसके अलावा PCI भी गए, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जब हम वहाँ पर गए तो उन्होंने सीधे वहाँ पर बोला कि जो इशू है ये जम्मू कश्मीर फार्मेसी काउंसिल को सॉल्व करना है। लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर फार्मेसी काउंसिल के पास जाते हैं वो बोलते हैं ये PCI को सॉल्व करना है। तो 2 सालों से हम ऐसे ही पिस रहे हैं, यहाँ से वहाँ जाके, वहाँ से यहाँ जाके, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ जो कि जेन्युइन सा इशू है। जिस बच्चे ने भी 5 अगस्त 2019 से पहले एनरोल किया हो उसको रजिस्ट्रेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। किसी को ये पता नहीं था कि नए इलाज इम्प्लीमेंट होंगे, जो पुराने इलाज यहाँ पे हैं वो एबॉलिश होंगे। तो हम फिर इस पोडियम के माध्यम इस वक्त इस लाइव सेशन के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को फिर से गुजारिश कर रहे हैं, खासकर हमारे LG साहब, उससे हम निवेदन कर रहे हैं कि मेहरबानी करके आप एक कॉन्क्रीट रिकमेंडेशन आगे फॉरवर्ड करें। इसके साथ साथ हमारे एडवाइज़र साहब राजू राय भटनागर साहब, इसके अलावा हमारे हेल्थ कमिश्नर, फाइनेंशियल हेल्थ कमिश्नर मिस्टर अटल डुल्लू सर, और जम्मू कश्मीर फार्मेसी काउंसिल की जो प्रेसिडेंट लोटिका खुजरिया मैम हैं, उससे भी हम गुजारिश कर रहे हैं कि मेहरबानी करके आप एक कॉन्क्रीट रिकमेंडेशन फॉरवर्ड करके इस इशू को जल्द से जल्द सॉल्व करें। नाज़रीन, अगर आपको हमारी प्रोग्राम पसंद आए होंगे, बेल निशान पे बटन दबाकर हमारी चैनल सब्सक्राइब